नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फसल सलाहकार में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मटर की फसल के बारे में। किसान भाइयों, अभी कुछ दिन पहले भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की वजह से काफ़ी बहुत नुकसान हुआ है। भारी बारिश के साथ साथ ओले आपके यूपी, MP, पंजाब, हरियाणा आदि जगहों पर गिरे हुए हैं, जिससे किसानों की फसल चौपट हो गई है। जहाँ सिर्फ बारिश ही हुई है और वहाँ पर किसानों के खेतों में ज़्यादा पानी भरने की वजह से फसलों के निचले हिस्सों के पत्तों में पीलापन और ज़्यादा खेत में पानी भराव होने की वजह से जड़ गलने जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिससे किसानों की पैदावार में गिरावट आ सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो खेत अभी सुरक्षित हैं और जिन जगहों पर भारी बारिश से मटर, चना, मसूर आदि की फसलों में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, परेशान ना हो, जब आप अपने खेत पर जाएं तो सभी लोग अपनी फसल को अच्छे से देखें और जहां भी फसल में पीलापन आ गया है, वो जब आप पौधा उखाड़ेंगे तो आपको पौधे की जड़ में लाल व काली सड़न सी देखने को मिलेगी। अगर आपको यह समस्या अपने खेत में नज़र आ रही है तो किसान भाइयों, आप सिंजेंटा कंपनी की एक दवा आती है जो कवच फ्लो के नाम से है, आप अपने नज़दीकी बाज़ार में जाकर के उसको खरीद सकते हैं। कवच फ्लो दवा के साथ यदि आप NPK 0-52-34 का उपयोग कर लेते हैं तो आपका पौधा अच्छा हरा भरा और स्वस्थ हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग आपको कैसे करना है। तो एक एकड़ में यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको 400 ml कवच फ्लो और 1 kg NPK 0-52-34 को लेना है। कवच फ्लो की कीमत बाज़ार में 700 से 750 रुपये के आसपास आपको उपलब्ध हो जाएगी। यदि किसान भाइयों, आपको यह दवा बाज़ार में नहीं मिल पा रही है तो आप फिर थाइफनेट मिथाइल 70% WP को 250 ग्राम तथा इसके साथ में 250 ग्राम सल्फर जो 80% WDG फॉर्म में आती है उसके साथ मिला करके यदि आप स्प्रे कर लेते हैं तो भी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। यह डोज मैंने आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बताया है। मैंने जो भी दवा आपको अभी बताई है, यदि आप इन दवाओं का उपयोग कर लेते हैं तो आपकी पैदावार में कोई गिरावट नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और जो भी किसान आपके परेशान हैं उन्हें भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियो निरंतर पाने के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।